तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए ब्लॉगिंग सेशन में। दोस्तों आपने पिछले हमारे ब्लॉगिंग सेशन को बहुत ही प्यार दिया, बहुत ही लाइक्स आए, कमेंट्स आए और उसी से प्रोत्साहित होकर हमने सोचा कि राजवंत सिंह मोहाली सर के साथ एक फिर से एक नया ब्लॉगिंग सेशन हम रिकॉर्ड करें। दोस्तों आज का जो ब्लॉगिंग सेशन है, आज हम ढेर सारी बातों पर डिस्कस करेंगे जो कि रियल इस्टेट से जुड़ी होंगी और इस ब्लॉगिंग सेशन में मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। दोस्तों मैं राजवंत सर के साथ रहता हूं और एक बड़ा ही उनके मुंह से हमेशा मैं टर्म्स सुनता हूं कि संजीव कोई भी प्रॉपर्टी को मैं देखता हूं तो वो मेरे से बात करती है। तो दोस्तों आज जानेंगे कि क्या है इसका मतलब। राजवंत सर प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए क्या है सर इसका मतलब, कोई भी प्रॉपर्टी आपसे बात करती है इसका मतलब क्या है सर प्लीज़। मैं जब भी कोई आपको ट्रेनिंग में बताता हूँ या वैसे मेरे कोई सेशन होते हैं, वैसे मेरे को कोई सवाल करते हैं तो मैं हमेशा ये कहता हूँ परचेजर के लिए, इन्वेस्टर के लिए, कि जब भी कोई आप प्रॉपर्टी देखने जाते हो तो वो प्रॉपर्टी आपके साथ इंटरेक्ट हो जाती है। इंटरेक्ट होने का मतलब है आपको कुछ कहना चाहती है, लेकिन आप उसको कैसे समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो, मतलब आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम कोई हो सकती है कि मतलब सामने वाला बंदा इंग्लिश ज़्यादा तेज़ बोल रहा है और हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसके कम्युनिकेशन जरूर है, वो जो हो रही है वो जरूर हो रही है। तो इसी तरीके से मैं समझता हूँ रियल स्टेट डील है, जो आप जब उसके पास जाके खड़ते हो तो वो बोलती है कि भाई आपको क्या चाहिए, वो आपसे पूछती है कि आपको क्या चाहिए। यदि आप उसका जवाब दोगे कि मैं आपको अपने रहने के लिए, अपने यूज़ करने के लिए लेना चाहता हूँ, तो भी आपका जवाब देगी। यदि आप उसको कहो कि नहीं मैं तो इस आपके साथ डील करके आपको खरीद के आगे बेचना चाहता हूँ और दो पैसे कमाना चाहता हूँ, तो भी आपको जवाब देगी कि यह प्रॉपर्टी आपके लिए ठीक रहेगी या नहीं रहेगी। जब आप प्रॉपर्टी के सामने खड़ते हो और प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से देखते हो, हर एंगल से देखते हो, तो मैं यकीन करो मेरे, मैं इसको विजुअलाइज भी करता हूँ और फील भी करता हूँ। मैंने बहुत फील किया ये कि वो प्रॉपर्टी मुझे कहती है कि ये प्रॉपर्टी दिस इज फॉर यू, और कई बार कई प्रॉपर्टी ये कहती है दिस इज़ नॉट फॉर यू, क्योंकि आपने कैसे किस तरीके से काम लेना है। जैसे हमें तो किसी तरीके की प्रॉपर्टी मिल जाए हमारे साथ, तो हम तो हर मतलब लैंग्वेज को समझ लेते हैं, प्रॉपर्टी की जो मर्जी लैंग्वेज बोले, जैसी मर्जी प्रॉपर्टी हो वो समझ लेते हैं। लेकिन यदि आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए भी कोई प्लॉट देखना चाहते हो तो वो रेजिडेंशियल की ही बात करेगी। यदि आप दुकान की लिए प्रॉपर्टी लेना चाहते हो दुकान के हिसाब से बात करेगी कि यहाँ दुकान चल पड़ेगी कि नहीं चल पड़ेगी। सो दोस्तों आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान लगा के, कान लगा के सुनना है, उससे दिल से मतलब उसकी बात सुननी है और बात सुन के उसको रिस्पॉन्ड करना है। तो 100% आप फील करो, आप जाओ प्रॉपर्टी पे जाओ और प्रॉपर्टी से बात करने की कोशिश करो। यदि कई बार हम किसी दोस्त के पास जाते हैं उसका ध्यान कहीं और होता है तो हम उसको बोलते हैं कि हेलो मैं आ गया हूँ, तो वो आपका उसका ध्यान अपनी तरफ आ जाता है। ऐसे ही हो सकता है जब आप प्रॉपर्टी के पास जाओ, जब आप बोलो हेलो मैं आपके पास आया हूँ, आप क्या कहना चाहती हो, तो 100% आपको जवाब मिलेगा, ये मेरा दावा है। सर किसी भी प्रॉपर्टी डील को फाइनल करने से पहले नेगोशिएशन होता है सर, और बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होते हैं नेगोशिएशन स्किल। सर आप उन लोगों के लिए कौन सी सलाह देना चाहेंगे, कौन सी बातें हैं जो आपको एक पक्का नेगोशिएटर बना देती हैं सर, क्या आपके विचार हैं सर? तो सबसे पहले जो मैंने मेरी ट्रेनिंग सेशन में मैंने 7th लेसन दिया है इसमें सेलिंग एंड डीलिंग स्किल, वो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा यदि आप उसको सीख लेते हो। तो सबसे पहले नेगोशिएशन करने के लिए हमें शांत रहना पड़ेगा, हमें उसको हर एंगल से सोचना पड़ेगा, हर एंगल से देखना पड़ेगा, सामने वाले बंदे को समझना पड़ेगा। कई बार हम कई आदमियों को आदत होती है वो ज़्यादा बोलते हैं और अपनी बात बोलते रहते हैं और सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते। तो मैं ये कहता हूँ भाई आप चुप करके बैठ जाओ, किसी बंदे के पास जा रहे हो, किसी पार्टी के पास जा रहे हो, नेगोशिएट करने जा रहे हो, जैसे हम आज जा रहे हैं कोई हम डील के साथ नेगोशिएट करने जा रहे हैं और संजीव इसमें विटनेस रहेंगे, तो मैं आप देखना कि मैं किस तरीके से डील करता हूँ। मैं जाके बात छेड़ देनी है, मैंने बात छेड़ने के बाद मैंने चुप हो जाना, जब चुप हो जाऊँगा तो वो सामने वाला आदमी अपनी एक एक बात मेरे को बताने की कोशिश करेगा और जैसे जैसे मैं चुप रहूँगा उसी तरीके से उसकी कोशिश ज़्यादा रहेगी कि ज़्यादा बोले, और जितना ज़्यादा वो बोलेगा उससे हमें कुछ ना कुछ उसमें डील में नेगेटिविटी
और डील में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम रही है, यदि कैसे प्रॉब्लम रही है तो उसको उन्होंने उसका हल कैसे किया, यदि जो प्रॉपर्टी में आज कोई प्रॉब्लम है उसको हम हल कैसे कर सकते हैं, ये उसके बोलने से होगा। आपने नेगोशिएट करते समय, कोई भी डील करते समय सामने वाले को बोलने का मौका देना है। यदि सामने वाला बोलने लग गया तो समझ लो आप उसको उसकी बात में से बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करके कुछ ना कुछ निकाल पाओगे। यदि आप ही बोलते रहे तो ज़्यादा बोलते रहे तो आपकी कमज़ोर बातों को वो नोट करके आपसे फ़ायदा उठा जाएगा। यदि आप कम बोलते हो, वैसे भी कुदरत का कानून है, कुदरत ने हमें एक जुबान दी है और दो कान दिए हैं, मतलब दो कान देने का मतलब है हमने डबल सुनना है और बोलना कम है, आधा बोलना है। लेकिन व्यापार में मैं बार बार कहता हूँ आदमी को चौकन्ना होना चाहिए। चौकन्ने का मतलब है जिसके चार कान हों, मतलब उसने चौकना सुनना है। यदि आप चौकना सुनने की हिम्मत रख सकते हो और आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हो। गुरबाणी में भी श्रवण भक्ति जो है, श्रवण भक्ति का मतलब सुनने की जो शक्ति है, मतलब कैपेसिटी है, उसको बहुत बड़ी भक्ति बताया। श्रवण भक्ति का मतलब है आपने सुनना है। यदि आप सुनने में कामयाब हो जाते हो तो मैं गारंटी देता हूँ आप अपनी बात कहने में 100% कामयाब हो जाओगे। सर, अगर उन लोगों की बात करें जिन्होंने अपना काम स्टार्ट किया है और उतने अच्छे डील्स नहीं मिल पा रहे हैं, उनका काम स्लो है या वो थोड़े हतोत्साहित फील कर रहे हैं, सर डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, आपके 27 साल के करियर में सर ऐसा भी आया होगा वक्त, सर आप उन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे सर, कैसे वो अपने को राइट ट्रैक पे विद राइट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी वो बनाए रखे, सर क्या सलाह देना चाहेंगे? देखो, हर बंदे में दो बंदे हैं, मिस्टर नेगेटिव मिस्टर पॉजिटिव। ये मेरे में भी है, मैं चाहे 27 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे में भी नेगेटिविटी आती है, आज भी आती है। लेकिन नेगेटिविटी आने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी नेगेटिविटी को अपनी पॉजिटिविटी पे भारी नहीं होने देना। आपने नेगेटिविटी को जो सोचना है, नेगेटिविटी से निकलने की बात सोचनी है। और यह भी आपने ध्यान रखना है, नेगेटिविटी कम से कम सोचनी, जब दिमाग में आती है तो आपने अपने दिमाग में पॉजिटिव विचार लाने हैं। जिस भी आदमी ने काम किया है, जिस आदमी ने बहुत अलग काम किया है, अलग से काम किया है, वो अलग से कोई खोज की है, उसको 100% इस सिचुएशन से निकलना पड़ा होगा। जैसे हम दशरथ मांझी की अभी बात कर रहे थे, दशरथ मांझी ने जैसे पर्वत तोड़ना शुरू किया, 21 साल लगे, तो जब पहली बार अकेला आदमी ने उसने वहाँ पर अपनी गिनती छैनी के साथ काम शुरू किया होगा तो उसके दिमाग में कितनी नेगेटिविटी आई होगी। लेकिन नेगेटिविटी के साथ कंसिस्टेंट यदि आप रहते हो, मतलब आप जो थॉट प्रोसेस आपका पॉजिटिव हो जाए और आप कंसिस्टेंट हो जाए, तो मेरा ख्याल है नेगेटिविटी रहती नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब किसी घबराना किसी बात का हल नहीं। मैं ये कहता हूँ, मैं ज़िंदगी में मैं नुकसान भी उठाए हैं, मतलब फेल भी हुआ हूँ, लेकिन फेल हो जाना बात अलग है, लेकिन फेल मान लेना बात अलग है। मतलब गिरना और चीज़ है और गिर के उठना वो और चीज़ है। गिरोगे, आप जाओगे, कहीं पहुंचोगे, कहीं जा रहे हो, आप गिर सकते हो, 100% गिर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गिर के उठने की ताकत गवा लेना, ये सबसे बुरी बात है। ये मैंने अपनी किताब नॉट मैड सो बैड, बिना जुनून नहीं सुकून में लिखी है। सो आप देख सकते हो कि यदि आप अपना कुछ करना चाहते हो, आगे करना चाहते हो, तो आपको नेगेटिविटी से निकलना ही पड़ेगा। एक बात और नोट कर लो, जितना मर्जी इंटेलिजेंट आदमी हो, चाहे आइंस्टीन हो, वो एक दिमाग में दो चीज़ें नहीं रख सकता। यदि उसके दिमाग में नेगेटिविटी आ जाएगी तो पॉजिटिविटी गायब हो जाएगी, यदि उसके दिमाग में पॉजिटिविटी आ जाएगी तो उसमें से नेगेटिविटी गायब हो जाएगी। सो दोस्तों से मेरी यही सलाह है कि आप नेगेटिविटी को पीछे हटा दो, पॉजिटिविटी अपने दिमाग में लाओ, नेगेटिविटी अपने आप दिमाग से गायब हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। सर, हमारे ट्रेनिंग सेशन में दो तरह के लोग आते हैं सर। एक वैसे लोग जो 10 से 12 साल लगातार काम करके भी वो सीखना चाहते हैं सर, अपडेट रखना चाहते हैं अपने आप को नए नए स्किल्स से, और एक वैसे तरह के लोग जो 10 से 12 साल से ये काम कर रहे हैं और वो सोचते हैं कि इसमें सीखने वाली क्या बात है, इसमें मुझे लगता है कि मैं पूरा हो चुका हूँ, परफेक्ट हो चुका हूँ। सर, कितना ज़रूरी है रियल एस्टेट में अपने आप को अपडेट रखना या नए स्किल्स को सीखते रहना? देखो, मैं 27 साल से काम कर रहा हूँ और 27 साल से सीख रहा हूँ। मैंने 3 किताबें लिख दी हैं, फिर चौथी किताब मेरी नॉट मैड सो बैड मोटिवेशनल है, और
एक किताब मेरी पावर ऑफ बिजनेस अलग पड़ी है, तैयार हुई पड़ी है, एक मैंने किताब लिखी हुई है दिशाहीन भारत, मैं 6 किताबें लिख चुका हूँ और मैं मतलब काफ़ी कुछ लिखना पढ़ना मेरा शौक है, लेकिन मेरे को तो अभी भी नहीं लगता कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ। मेरे को अभी भी नई नई चीज़ें आती हैं, नई नई चीज़ें आती हैं, मैं नोट करता हूँ उनको, कभी यूट्यूब से नोट करता हूँ, किसी किताब से नोट करता हूँ। जैसे मैंने अभी पिछले दिनों में मैंने स्टॉप लॉस के ऊपर बोला था, मैं स्टॉप लॉस मतलब मैंने तो वो चिंता छोड़ो सुख से जियो किताब पढ़ रहा था, उसमें स्टॉप लॉस की बात करी, तो मैंने वो उसके ऊपर भी वीडियो बनाई कि स्टॉप लॉस हमें रियल स्टेट में भी हम लागू कर सकते हैं, कि यदि हमारी कोई प्रॉपर्टी है, सपोज हमने महंगे रेट में ले ली और उसको हम बेचना चाह रहे हैं, लेकिन हम इतना नुकसान नहीं उठा सकते, हो सकता है कल को ज़्यादा नुकसान करें। मैं तो ये कहता हूँ यदि 100 रुपये की कोई चीज़ लेते हो तो उसको 25 रुपये आपका नुकसान हो रहा है, 75 रुपये की बिक्री है तो आपको बेच देना चाहिए। उसका बेचने का कारण यह है कि जो साथ वाली प्रॉपर्टी है वो आप अपने स्किल के साथ 60 रुपये में ले सकते हो। मेरा मतलब यह है कि वो 100 रुपये वाली प्रॉपर्टी यदि 75 में बिक रही है, कल आज वो डिसीजन नहीं लेते तो कल को वो ऐसे ना हो कि 50 में बिके या 25 में बिके। तो ऐसे भी मैंने देखा है, ये स्टॉप लॉस का मतलब मैंने अभी सीखा। स्टॉप लॉस बताने का मतलब ये है कि मैंने अभी दो तीन चार महीने पहले ही सीखा मैंने। सो दोस्तों, ये जो आदमी ये कहता है कि मेरे को सब कुछ आता है, तो वो समझो बिल्कुल गलत कह रहा है। वो किसी को कुछ नहीं आता, सीखने की कोई उम्र नहीं, जो ज्ञान है अथाह समुंदर है। मेरा ख्याल है, मैं अभी मेरी 58 एज है, तो मेरा ख्याल ये यदि मैं 10 साल और जिया और 20 साल जिया तो मेरा ये सीखना सिखाना परमानेंट रहेगा, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को नहीं आती। तो जो आदमी ये क्लेम करे कि मेरे को सब कुछ आता है, तो फिर उसको तो रब रखा है, तो उसको ध्यान रखना चाहिए, सब कुछ सभी को नहीं आ सकता। तो दोस्तों, ये थे रिच डैड ऑफ इंडिया राजवंत सिंह मोहाली सर। होपफुली आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, आपको नेगोशिएशन स्किल का पता चला होगा, सीखने का इम्पोर्टेंस आपको पता चला होगा, और हम इनसे सीखते ही रहते हैं। तो सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड एडवाइस, फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू सो मच सर।